gunman! Hey, hey! You did gunman! Hey, hey! You did gunman! Hey, hey! You are gunman! Hey, hey! Pakistan! Hey, hey! Pakistan! Hey, Pakistan! Hey, hey! Pakistan! Hey, hey! Pakistan! Hey, hey! Pakistan! Hey, hey! You did gunman! 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 Hey, hey! Pakistan! Hey, hey! Pakistan! मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूटी गवर्नमेंट के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार कश्मीर के अंदर आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, रोज़ कोई ना कोई सैनिक शहीद हो रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति को जो निर्दोष व्यक्तियों को जो है वो आतंकवादी जो है अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। और अब तो ये हद ये हो गई कि सरकार ने अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी बोलना शुरू कर दिया है कि उनका कहना है कि आतंकवादियों का जो है वो ये यात्रा को डिस्टर्ब करने की ये कोशिश साजिश रची जा रही है। ये हमेशा इस प्रकार की बातें करके जो मीडिया में ये लाई जाती हैं, ये सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो यात्रा के ऊपर पड़ता है और लोग यात्रा पे आने से डरते हैं। हम सरकार से ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि इस प्रकार की बातें जो हैं वो आप मीडिया में ना दें, क्योंकि यात्रा के ऊपर सीधे इफेक्ट पड़ता है। अगर यात्रा के ऊपर कोई बात हुई तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने से पीछे नहीं रहेंगे। हम सरकार को ये सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी नाकामी जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से आतंकवाद कश्मीर के अंदर बढ़ता जा रहा है, किस प्रकार से निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, किस प्रकार से हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है, जो सबके सामने है। आप सैनिकों को अपने आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस को सीधी खुली छूट दीजिए ना। किस लिए आपने उन लोगों के हाथ बांधे हुए हैं, किस लिए आप उनको पूरी तरह से आप उनको पूरे अधिकार नहीं देते हैं। आप पूरे अधिकार दीजिए, देखिए सेना दो दिन में आतंकवाद खत्म कर देगी। लेकिन अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है, जो पार्टी सत्ता में आती है वो वहाँ पे सैनिकों के हाथ जो है वो बांध देती है। उनकी ज़्यादा कोशिश ये होती है कि इनको सरेंडर कराया जाए और सरेंडर पॉलिसी के तहत इनको नौकरियाँ भी दी जाएँ। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जितने आतंकवादी हैं उनको केवल गोली मिलेगी। जिसने हथियार उठाया है, जिसने हमारे जवानों के ऊपर गोली हथियार उठाए हैं, जिन्होंने हमारे सैनिकों को शहीद किया है, उनको केवल गोली मिलनी चाहिए। उसके अलावा कहीं भी कोई माफीनामा नहीं है। यह सीधी सीधी सरकार को हमारी चेतावनी है।